अन्नाहुल फाइक फिका की किताब है। फुकहा ने कोई 3 सदियां पहले लिखा था कि मुसलमानों को चाहिए कि नफल हज और उम्रे की बजाय पैसे को बचाएं। 300 साल पहले उन्होंने लिखा था। उनका वो ज़माना गया जब बहुत ज़्यादा पैसा होता था तो लोग चले जाते थे हज और उम्रे के लिए। ये क्या है? अल्लाह ताला अगर पूछे कि तुम्हारे अपने भांजे भतीजे चचा मामू पुप्पी कोई ना कोई, ये बेचारे कर्ज में डूबे हुए थे, इनके बच्चे होनहार थे, पढ़ सकते थे, मदरसे में स्कूल में टॉप कर सकते थे, पैसा नहीं था और तुम्हें उम्रे का शौक हुआ हुआ था, ये इसका हिसाब खुदा के यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए डुबो दिया है इस उम्मत को जिन चीज़ों ने, उनमें से एक है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए। एक सऊदी जिम्मेदार ने बताया कि चंद साल से पाकिस्तान से ज़्यादा उम्रा कोई नहीं करने आता, यहीं से जाते हैं उम्रा करने। 27वीं की रात है, दुआ है, ये सब क्या है? कभी ठंडे दिल से गौर करें ये सब क्या है। अरबों रुपए इस मुल्क के महज जहालत की वजह से खर्च करते हैं, ख़ानदान और कुंबा चला जाता है और नहीं सोचते कि इससे हम अपने गांव में पानी का बंदोबस्त करें, हम रोड पक्की करा दें, ईंटें लगवा दें, तो बहुत सी चीज़ें।